परम भक्त नरसिंह मेहता जी के जीवन की एक बड़ी सुंदर घटना है। एक बार की बात है, उनके बड़े भाई नरसिंह जी के घर आए और उन्होंने कहा कि कल समय पर अपनी पत्नी को लेकर घर आ जाना, पिताजी का वार्षिक श्राद्ध करना है। तो नरसिंह जी कहते हैं कि भैया, मैं तो पूजा पाठ करके ही आऊँगा, बस इतना सुनना ही था कि उनके बड़े भाई भड़क गए, गुस्सा हो गए कि बस यही जिंदगी भर करते रहना, भीख मांग कर तो तुम अपना जीवन यापन करते हो, तुमसे उम्मीद करूंगा भी क्या, मुझे कोई तुम्हारी सहायता नहीं चाहिए, अपने हिसाब से अपने घर पर अलग से श्राद्ध कर लेना। तो नरसी जी कहते हैं कि भैया, आप इतना नाराज मत हो, मेरे पास जो भी है मैं उसी से ही श्राद्ध कर लूंगा। तो दोनों को भाइयों के बीच झगड़े की बात सुनकर कुछ लोग बड़े खुश हुए, ये तो जग की रीत ही है, दो भाई आपस में लड़े तो तीसरा तो हंसता ही है, दुनिया को तो मौका चाहिए एक दूसरे पे हंसने का, नीचा दिखाने का। तो उनमें से कुछ लोग जो थे वो नरसिंह मेहता जी से बहुत जलते थे, उनसे उनके ख्याति को लेकर, उनकी भक्ति को लेकर। तो कुछ मंडलियां थीं, कुछ लोग थे जिनको ये बात पता लगी। उनमें से एक थे प्रसन्न राय, पुरोहित थे, पंडित थे, बड़े खुश हुए, सोचा ये अच्छा मौका है नरसिंह मेहता को नीचा दिखाने का। तो उन्होंने क्या किया, गांव के 700 ब्राह्मणों को आमंत्रित कर दिया। वो जानता था कि इतने सारे ब्राह्मण आएंगे और नरसिंह मेहता उनको खिला नहीं पाएगा, और जब उनको खिला नहीं पाएगा पूरी जग हिसाई होगी उनकी, और जग हिसाई के साथ साथ सारे ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे, और जब नाराज होंगे तो इनको क्या करेंगे, जाति से बेदखल कर देंगे, समाज से इनको बेदखल कर देंगे। थोड़ा आमंत्रित कर दिया। किसी तरह ये बात नरसिंह मेहता जी की पत्नी को पता चल गई, बड़ी परेशान हुई कि अब क्या करें। उन्होंने अपने पति को बोला, तो नरसिंह मेहता जी सुबह सुबह गए जिस दिन श्राद्ध था बाजार, घी लाने के लिए, ताकि श्राद्ध के लिए कुछ पकवान बनाए जा सकें। उस दिन किसी ने भी उनको घी नहीं दिया, सब ने मना कर दिया। अंत में फिर एक दुकानदार राजी हो गया, पर एक शर्त पर। शर्त क्या थी कि आपको पहले भजन सुनाना पड़ेगा तभी घी दूंगा, अब और क्या चाहिए। ये तो उनका मनपसंद काम था, बस फिर क्या था, बैठ गए हरि कीर्तन करने के लिए, भजन करने के लिए, और इतने तल्लीन हो गए उन्हें समय का ध्यान ही नहीं रहा। भगवान कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, मच्चित मद्गत प्राणः बोधयन्तः परस्परं कथयन्ति च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे शुद्ध भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ मेरे बारे में ही चर्चा करते हैं, मेरे बारे में ही सुनते हैं, और क्या है, तुष्यन्ति च रमन्ति च, उसी में ही संतुष्टि का अनुभव करते हैं, उसी में आनंद का अनुभव करते हैं। मित्रों, ये घटना सबके सामने हुई थी, और आज भी ऐसी कई घटनाएं हैं जो प्रभु साक्षात अपने भक्तों से लीला करते हैं, उनसे आदान प्रदान करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस कथा में। तो इस तरफ नरसिंह मेहता जी भजन गाए जा रहे हैं, भजन गाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ नरसिंह के भेष में भगवान कृष्ण उनके पिता का श्राद्ध करवा रहे हैं। ये हैं भक्त, और ऐसे हैं भगवान। भगवान स्वयं अपने भक्तों के सम्मान की रक्षा करते हैं। कहते हैं ना, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। तो 700 ब्राह्मणों ने छक्कर भोजन खाया, और इतना ही नहीं, सबको एक एक सोने का सिक्का अशर्फी भी दी गई। ये 700 ब्राह्मण आए तो थे नरसिंह जी को नीचा दिखाने के लिए, उनकी खिल्ली उड़ाने के लिए,
तो बदले में हुआ क्या, उनको सुस्वादु बढ़िया पकवान भी मिले और साथ ही साथ दक्षिणा भी मिली। धन्य प्रभु ऐसे हमारे, और ऐसे धन्य भक्त हैं जिनके लिए प्रभु ऐसी लीला करते हैं। तो तुष्वती जो ब्राह्मण थे, जो दुष्ट ब्राह्मण थे, सोच तो ये रहे थे कि कैसे नरसी को नीचा दिखाना है। पर प्रभु ने ऐसी लीला करी जो ब्राह्मण भी कुछ ना कर सके। और सोचने के लगे ब्राह्मण, पक्का हो ना हो नरसी कोई जादू टोना जानता है, तभी इतने उसने पकवान खिलाए, इतनी दक्षिणा दी, ये तो एक आम व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। और इधर दिन ढल गया तो नरसी जी को याद आई, अरे श्राद्ध भी है, घी लेके आ रहे हैं। और जब घी लेकर घर पहुंचे तो क्या देखते हैं, नरसी मेहता जी की पत्नी भोजन कर रही है। तो बड़े विस्मित हुए, बड़े हैरान हुए कि पत्नी ऐसे कैसे कर सकती है, अभी श्राद्ध भी नहीं हुआ और ये भोजन करने पहले बैठ गई। तो नरसी जी बोले, वो आने में थोड़ी जरा देर हो गई, क्या करता, वे उधार मैं घी दे ही नहीं रहा था, मगर तुम पहले भोजन करने क्यों बैठ गई। तो नरसी जी की पत्नी कहती है, उनका नाम मानिक था, मानिक बाई, मानिक बाई जी ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, खुद खड़े होके तुमने श्राद्ध करवाया, सबको भोजन करवाया, सबको दक्षिणा दी, फिर उनको यहां से विदा किया, खुद सारा काम किया। ये बात सुनते ही नरसी जी समझ गए कि हो ना हो स्वयं उनके इष्ट, स्वयं उनके प्रभु उनका मान रखने के लिए यहां आए थे। गरीब के मान को, भक्त की लाज को परम प्रेमी करुणामय भगवान बजाते ही हैं। तो बड़े आनंदित हो उठे और गाने लगे, कहते हैं, कृष्ण जी कृष्ण जी कृष्ण जी, कहे तो उठो रे प्राणी, कृष्ण जी ना नाम बिना, जे बोले तो मिथ्या रे वाणी। तो भक्त के मान की रक्षा भगवान इस तरह से करते हैं। अगर भक्त के मन में सचमुच समर्पण का भाव हो तो भगवान स्वयं उपस्थित हो जाते हैं, स्वयं उसकी सेवा करने लग जाते हैं। ऐसे हैं भगवान कृष्ण, और ऐसे हैं शुद्ध भक्त नरसिंह मेहता, जिनके लिए भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं। नरसिंह मेहता की जय, परम कृपालु कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्णा।